जो बीएसपी ने जो काम किया है वो हजारों साल की व्यवस्था को बदल कर उन्होंने काम किया है। और जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी सड़क पर नहीं आती, अरे सड़क पर आना जरूरी नहीं है, तुम पहले सत्ता बदलो, विधायिका में अपने एमएलए एमपी लाओ, कानून वहाँ से बनता है, कानून सड़क से नहीं बनता है। कानून जो बनता है वो विधायिका से बनता है, विधानसभा से बनता है, संसद से बनता है, राज्यसभा से बनता है। तुम कितने भी आंदोलन करते रहना, कभी सफल नहीं होगे, और सफल जब ही होगे जब आपकी व्यवस्था समता मूलक समाज बनाने वाली पार्टी को आप सपोर्ट करोगे, और आप सपोर्ट करोगे वर्ण व्यवस्था वाली व्यवस्था को, छुआछूत वाली व्यवस्था को, जातिवादी वाले संगठन को, जातिवादी पार्टियों को, तो तुम कितने भी आंदोलन करते रहना, कितना भी कुछ करते रहना, तुमको सफलता नहीं मिलेगी। आप देख रहे हो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो आपकी शिक्षा खत्म कर दी गई, आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, आपका सम्मान खत्म कर दिया गया, आपके महापुरुषों को सम्मान देना बंद कर दिया गया, आप पर जुल्म बढ़ने लगे, आप पर अत्याचार बढ़ने लगे, आपका शोषण होने लगा, आप सुरक्षित नहीं हैं और सुरक्षा महसूस कर रहे हो। जब तक आप बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे तो समझ लेना सत्ता उनकी है, व्यवस्था उनकी है, सरकार उनकी है, न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है। तुम करो आंदोलन सड़क पे आके, क्या करोगे, तुम पर लाठियां पड़ेंगी। जब तक यहाँ की सत्ता को पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता, चार बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता आई, लेकिन चार बार में ही उन्होंने आकर 70 वर्ष के, हजारों वर्ष के इतिहास को बदल डाला। आज दलित प्रेरणा स्थल बने हैं, दलित प्रेरणा स्थलों पर महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित किया है, उनके इतिहास को स्थापित किया है, उनके इतिहास को बताया गया है, सभी महापुरुषों के बारे में बताया गया है। जब सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है, सत्ता आती है तो जुल्म कम होता है, सत्ता आती है तो जुल्म बढ़ जाता है। बीजेपी की सत्ता आई तो जुल्म बढ़ा, कांग्रेस की सत्ता आई कभी बहुजन महापुरुषों को सम्मान देने का काम नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक एजेंडा है, बहुजन समाज पार्टी सड़क पर आने से काम नहीं चलेगा, बहुजन समाज पार्टी एक वैचारिक क्रांति है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर निर्मित एक पार्टी है। बहुजन समाज के महापुरुष चाहे तो बुद्ध रहे हों या रैदास हों, कबीर हों, चोखा मेला हों, गाड़गे महाराज हों, रामास्वामी नायकर हों, ज्योतिरा फुले हों, गुरु नारायणन हों, तिरुवल्लुवरम हों, उनकी विचारधारा पर आधारित ये पार्टी है। और ये जो आंदोलन की बात करते हैं, सत्ता आएगी तभी व्यवस्था बदलेगी, आंदोलन करने से कुछ होने वाला नहीं है। 2014 से अब तक इतने आंदोलन हुए, उनका क्या परिणाम निकला, इनके मेमोरेंडम को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। बड़े बड़े आंदोलन जंतर मंत्र पर मैंने देखे हैं, केवल एक ही चीज़ देखते हो, बहन जी सड़कों पर नहीं आती हैं, आंदोलन नहीं कर रही हैं। आंदोलन से बदलाव नहीं आएगा, बदलाव आएगा जब बहुजन समाज पार्टी के अधिक से अधिक एमएलए आएंगे, अधिक से अधिक एमपी आएंगे, एमपी आएंगे तो राज्यसभा में पहुंचेंगे, राज्यसभा में आपकी बात को उठाया जाएगा। इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि बहन जी को जब पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया, वो कहाँ का कांड था, सहारनपुर, सहारनपुर का
बहन जी ने एक दिन में इस्तीफा दे दिया। कोई अभी तक ऐसा इतिहास है जिसने एक बार कुर्सी से चिपक गया? बहन जी को कोई सत्ता में आने का लालच नहीं है, लेकिन इतना लालच जरूर है कि सत्ता में आकर मैं कुछ बहुजन समाज के लोगों को काम कर सकूं। अभी वो उम्र दराज हो गई हैं, आप एक बार और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करो, एक बार सब चीज़ भूल कर सपोर्ट करो, और इस बात के लिए मत सोचो कि आप लोग बहन जी नहीं आती हैं, आप एक बार सपोर्ट तो करो। यदि 50 MP भी आ जाते हैं तो बहन जी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगी, और प्रधानमंत्री बनकर तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। इसलिए दलित लोगों को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुजन समाज के लोगों को ज़्यादा कुलाट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुजन समाज को ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, बहुजन समाज को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुजन समाज के भाइयों, ये बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार पुनः से, मैं बहुत भिक्षु हूँ, मुझे कोई सत्ता का लालच नहीं, जब से पार्टी बनी है तब से मैं बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करता आ रहा हूँ और अभी भी सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वहाँ पर हमारा विचार है, वहाँ पर हमारा सम्मान है, वहाँ पर हमारी शिक्षा है, वहाँ पर हमारी बेरोजगारी दूर होगी, वहाँ पर भिखमरी दूर होगी। आप 5 किलो अनाज लेने वाले मत बनो, आप लोगों को देने वाले बनो। ये 5 किलो से तुम्हारी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी, 5 किलो से आप कोई बहुत राजा नहीं बन जाओगे, 5 किलो लेकर आप कोई अधिकारी नहीं बन जाओगे। बहन जी तुमको देने वाला बनाना चाहती हैं, बहुजन समाज पार्टी तुमको देने वाला बनाना चाहती है, आप लेने वाले मत करो। इस 5 किलो अनाज के ऊपर आप वोट केवल किसी और पार्टी में मत दो, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करो। लेकिन भंते जी, बड़ा सवाल ये है कि 2012 के बाद से BSP का वोट बैंक घट रहा है, सीटें घट रही हैं, आप चुनाव नहीं जीत रहे हैं, कहाँ कमी देखते हैं जो हारते जा रहे हैं आप लगातार? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, बहुजन समाज पार्टी एक एजेंडा है, बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक परिवर्तन का एक आइडिया है। आप ये मत देखिए कि वोट नहीं आ रहे हैं, वोट नहीं आ रहे हैं तो इन बहुजन समाज के लोगों की गलती है। यदि 12% वोट हुआ, कम हुआ, तो आज इनका आरक्षण खत्म हो गया ना, आज इनकी शिक्षा खत्म हो गई ना, जिन बच्चों का 0 पे एडमिशन होता था आज इंजीनियरिंग की फीस 2 लाख और 4 लाख, मेडिकल कॉलेज की 2 लाख 4 लाख। इनको यदि इन्होंने कम किया तो अपना नुकसान किया, यदि BSP को वोट नहीं दिया तो इनका नुकसान हुआ, और इतना बड़ा नुकसान हुआ कि आने वाली पीढ़ियाँ और आने वाली इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। यदि शिक्षा खत्म हुई तो रोजगार खत्म हुआ, शिक्षा खत्म हुई तो नौकरियां ख़त्म हुई, नौकरियां ख़त्म हुई तो मकान बनाना ख़त्म हुआ, नौकरियां ख़त्म हुई तो ये बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े मकानों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो चलते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। बहन जी ने ऐसा कोई काम किया हो? बहुजन समाज के लोगों को बहन जी पर ये आरोप लगाते हैं कि बहन जी के पास करोड़ों लोगों की संपत्ति है, लेकिन अन्य पार्टी के लोगों को देखो, उनके पास तो अरबों की संपत्ति है, खरबों की संपत्ति है। अरे तुम एक व्यक्ति को देखते हो, यदि कोई दलित समाज की बहन के पास यदि एरोप्लेन में उड़ती है, परेशानी क्या है? यदि तुम्हारे कोई बहुजन समाज का व्यक्ति IAS होता है और IAS बनकर बड़ा मकान बनाता है, परेशानी? तुम्हें खुशी होनी चाहिए। यही जलन के कारण, यही ईर्ष्या के कारण तुम्हारे समाज का पतन हुआ है। तुम किसी को आगे नहीं बढ़ना चाहते, उसकी टांग को खींच के नीचे लाना चाहते हो। अरे जो आदमी अपने प्रयासों से बढ़े, मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, न मकान है, न दुकान है, घर है, न कुछ है, न परिवार है, न कुछ है, लेकिन मैं खुश होता हूँ कि मेरे समाज का जो हजारों साल से जिसको दबाया गया है और वो ऊपर जाता है, IAS बनता है, IPS बनता है, मंत्री बनता है, वो मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। अरे तुम लोग को कौन गुमराह कर देता है, कौन तुम लोगों की बुद्धि खराब कर देता है, कौन तुमको इस बात को सिखाता है? वही लोग हैं मनुवादी, जो तुम्हारे समाज को संगठित होना नहीं चाहते। वो जान रहे थे कि बहुजन समाज संगठित हो जाएगा तो हमारी सत्ता चली जाएगी। आज बहुजन समाज पार्टी जाती है तो 2024 में मनुस्मृति तुम्हारे लिए तैयार रखी है। तुम्हारे संविधान को बदला जाएगा, इस देश को एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाएगा जहाँ पर छुआछूत, ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, घृणा का वातावरण पैदा हो जाएगा।